मुंबई वासियों की लाइफ लाइन कह जाने वाली लोकल ट्रेन पिछले एक साल से आम जनता के लिए बंद है। इसीलिए सभी मुंबई वासी अब इंतजार में हैं कि आखिर मुंबई लोकल आम जनता के लिए कब शुरू होगी। सरकार द्वारा जारी कोरोना के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब मुंबई अनलॉक की प्रक्रिया में लेवल 1 में आ चुकी है और अब जल्द ही मुंबई में लेवल 1 की गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं। सूत्रों के माने तो अब 27 जून से नई गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं और इसी में नई गाइडलाइंस में लोकल सेवा फिर से आम जनता के लिए शुरू की जा सकती है। हालांकि लोकल में सभी को एक साथ अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए 3 चरण तय किए हैं और इन्हीं 3 चरणों में आम जनता को लोकल में फिर से अनुमति मिलेगी। तीसरी लहर की आशंका और लोकल की भीड़ को देखते हुए सरकार ने अब 3 चरणों में लोकल सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। इन 3 चरणों में सबसे पहले महिलाओं को और दिव्यांगों को अनुमति दी जाएगी, फिर दूसरे चरण में जो 50 साल से नीचे है उनको, और तीसरे चरण में सभी को अनुमति मिलेगी। तो इस तरह से लोकल सेवा में जल्द ही आम जनता को अनुमति मिल सफ़र करने की अनुमति मिलने वाली है। जैसे ही न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी, न्यू अपडेट आएगी, हम आपको ज़रूर अपडेट कर देंगे दोस्तों। इसलिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर बनाए रखिएगा, मास्क पहनिएगा, अपने हाथ बार बार धोते रहिएगा और इसकी जानकारी जो लोग इसकी पालना नहीं करते हैं उनको देते रहिएगा। और आपकी बारी आने पर वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिएगा, वैक्सीन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी तरीके की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।